सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड सॉल्व एग्जांपल टू। तो सॉल्व एग्जांपल टू करने के लिए हम लोग को गिवन क्वेश्चन में एक मैसेज दिया है 1001 और एक जनरेटर पॉलिनोमल दिया है x³ + x² + 1। अभी हम लोग को करना क्या है, जो ये गिवन मैसेज है उसको पहले पॉलिनोमल फॉर्म में लिखते हैं, एम को लिखते हैं एम ऑफ एक्स फॉर्म में। एम ऑफ एक्स कैसे लिखने का, अब ये 4 बिट्स है, 4 - 1 3, x³, अब ये 0, x² नहीं है, x^1 लिख लेता हूँ, ये 1 हो गया, ये वाला 1 इधर, प्लस 0 × x² + 0 × x, और ये फाइनली 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ऑफ एक्स इक्वल टू x³ + 1, ये अपना फाइनल फाइनल मैसेज पॉलिनोमियल। अभी एक जी ऑफ एक्स लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, जी ऑफ एक्स है x³ + x² + 1। अभी फाइनल कोड वर्ड निकालना है, सी ऑफ एक्स इक्वल टू एम ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अभी अपना एम ऑफ एक्स क्या है, एम ऑफ एक्स है अपना x³ + 1 इंटू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स है अपना x³ + x² + 1। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x³ × x³ होता है x^6, x³ × x², मतलब होता है x^5, x³ × 1, x³ 1 × ये सारी टर्म्स, मतलब ये पूरा रिपीट होएगा, x³ + x² + 1। अभी देखते हैं इनमें से रिपीट कौन से टर्म है, मतलब दो टाइम्स कौन ऐसे कौन से टर्म्स है जो अपियर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं सिर्फ x³ ही दो टाइम्स रिपीट हो रहा है, x³ ही दो टाइम रिपीट हो रहा है, और ये सारी ऑपरेशन होती है एक्सोर वाली ऑपरेशन होती है, एक्सोर में 1 1 होता है 0। तो हम लोग के पास बचा क्या है, x^6 + x^5, x³ नल एंड वॉइड होगा क्योंकि 1 1 एक्सोर होता है 0 प्लस x² + 1। तो इसका फाइनली ये हो गया मैसेज कोडवर्ड पॉलिनोमियल में, लेकिन अपने को चाहिए डिजिट्स में। तो फाइनल कोडवर्ड लिखते हैं ऐसे, x^6 का कोएफिशिएंट है 1, x^6 के बाद है x^5, उसका भी कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन x^4 नहीं है 0, x^3 नहीं है 0, x² है 1, x पावर 1 नहीं है 0, x पावर 1 नहीं है 0, और ये फाइनली 1। तो अपना 7 डिजिट्स का कोडवर्ड बन चुका है, ऐसे बनता है अपना 7 डिजिट का कोडवर्ड।